अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन टाइम भी आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है जिंगर बर्गर और ड्रम स्टिक। तो जिंगर बर्गर के लिए जो सा चिकन है वो भी और जो से ड्रम स्टिक्स हैं वो भी हम लोगों ने एक ही बर्तन में निकाली हैं इनको, क्योंकि हम लोगों ने पहले मैगिनेट करना है। इनकी मैगिनेशन कैसे होगी ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा चम्मच सुरख मिर्च का, ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया एक चम्मच, दादरी मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, नमक मैंने डाला आधा चम्मच नमक का। अब ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसमें, ये देखें मिक्स हो गया ना अच्छी तरह मसाला। अब ये ना मैं सारा ये चिकन में ना डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारा डाल दिया। अब ये ना मैं इसे सारा मिक्स करके ना, ये देखिए, ये ना मैंने ना ऐसे ना चीरे भी लगा दिए थे, ये देखिए। अब ये चीरों में ना सारा मसाला ना चला जाएगा। तो बेसिक जो सा इंग्रेडिएंट मतलब दही हम लोगों ने उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मतलब स्पाइसेस जो से हैं दही के अंदर मिक्स करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो सा चिकन के अंदर इसको मैगिनेशन के लिए मिक्स किया। लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं करना। तो मेन चीज़ आप लोगों ने जो से देखी है वो यही कि जो से दही है उसके अंदर स्पाइसेस को आप लोगों ने शामिल करने के बाद इसके अंदर जो सा है वो चिकन के अंदर मैगिनेशन करनी है। तो अब इसको हम लोग मतलब छोड़ देते हैं तकरीबन, अगर आप लोगों ने ज़्यादा मतलब एक दिन के लिए भी आप रख सकते हैं, दो से तीन घंटे के लिए भी, मतलब अगर शाम में खाना है तो आपके सारी मतलब डिपेंड करता है कि आप लोग कितना उसको मैगिनेट करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने इसे कर लिया मैगिनेशन और करते हैं वेट और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारी आज की वीडियो, आप इसे दो तीन घंटे रख लें या एक रात के लिए रख लें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की ना। और हम लोगों ने आज जो बनाना आपको सिखाना है वो है ड्रम स्टिक और जिंगर बर्गर। तो वो कैसे फाइनल होंगे आप लोगों ने देखना है। और अगर आप अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, पहले विजिट नहीं किया तो हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको मजीद इस तरह की जो से टेस्ट टेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैगिनेशन हम लोगों ने करके रख दी थी चिकन की, तो अब काफ़ी देर ये मैगिनेट हो गया है। तो अब मम्मा जो सा है वो ड्रम स्टिक पहले तैयार कर रहे हैं। तो मम्मा आप बता दें कि ये किस चीज़ की कोटिंग कर रहे हैं आप इसमें? ना बेटा, मैंने ना मैदा डाला है, कॉर्नफ्लावर है, चावलों का आटा है, तीनों चीज़ें हैं ये। ठीक है, तीन चीज़ें हम लोगों ने कोटिंग के लिए मतलब हम वजन लेकर ही मतलब शामिल की हैं। हाँ जी, ठीक है, तीन चीज़ें हम लोगों ने व्यूअर्स के अंदर यूज़ की हैं, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और मैदा। तीन चीज़ें हम लोगों ने इसके ऊपर कोटिंग करेंगे हम लोग और मज़ेदार से जो सी हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब किस अंदाज से मम्मा जो इसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं, दबा दबा कर उसके अंदर कट्स लगे हुए हैं और कट्स के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग करनी है, मसाला लगा हुआ, मैगिनेशन बहुत अच्छी, जितनी आपकी मैगिनेशन अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। हम लोग यहाँ पे आपको 2-in-1 रेसिपी सिखा रहे हैं, जहाँ पे हम आपके साथ ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग आपके आप लोगों के साथ जिंगर बर्गर की रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-in-1 रेसिपी है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ज़रूर देखनी क्रिस्पी क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स कैसे तैयार होंगी और जो जिंगर बर्गर है वो कैसे तैयार होंगे। आप लोग आसानी बना सकते हैं, इसको इन्जॉय कर, बहुत ही अच्छा ये स्नैक है और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और जिस तरह आपको कुकिंग विद नाज़नी में सिखाया जा रहा है तो आप आसानी सब ये बनाकर सबका दिल जीत सकते हैं। हाँ जी, ये मैंने आप इसे लगा के ना अच्छी तरह, तो फिर मैंने इसे ठंड वो पानी में ड्रिप करूँगी, फिर उसके बाद फिर एक दफ़ा ना लगा के फिर डालती हूँ। अच्छा, मतलब डबल कोटिंग करनी है हम लोगों ने, पानी में डिप करना है, फिर इसको अगेन हम लोगों ने इसकी कोटिंग करनी है, देन वी विल फ्राई और फिर उसको फ्राई कर देंगे। हाँ जी, ये देखे ना ये सारा लग गया आपको। अच्छा जी, और ये ना मैं इस तरह लगा के ना ऐसे, उधर मैंने ना कढ़ाई में ना तेल भी गर्म होने रख दिया था ऑयल डाल के, फिर जल्दी से हो जाए वो भी गर्म, ऐसे सारे करके ना फिर एक दफ़ा फिर
तो टू टाइम्स हम लोग इसकी कोटिंग करते हैं ज़बरदस्ती, जो से KFC स्टाइल है या आप जोन सा भी इसको कह लें, हमारे स्टाइल की कह लें, आप लोग मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स आप लोग की तैयार हो जाएंगी। तो अगेन वैसे ही मम्मा के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं और फिर इसको हम लोग फ्राई करते हैं। हाँ जी, ये अच्छी तरह लगा के ना फिर हमें डालते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मम्मा ने इसके अंदर जो सी ड्रम स्टिक वो डाल दी है फ्राई होने के लिए, बहुत ही मज़ेदार की खुशबू आ रही है और जो सा साउंड है वो भी आप लोग सुन सकते कितना अच्छा आ रहा है। तो क्रिस्पी क्रिस्पी ये जो सी हमारी ड्रम स्टिक्स है तैयार हो जाएंगी। कोटिंग मम्मा ने बहुत अच्छी की है और इंशाल्लाह जो उनकी कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्रिस्पी क्रिस्पी आप लोग के सामने ही हमारी रेसिपी फाइनल होगी। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, हमें अपनी फीडबैक देनी है। इसको हम लोग ज़रा पकाते हैं धीमी आंच, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, तो फिर आपको दिखाते हैं। जब हम लोगों ने साइड इसकी चेंज कर दी तो खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी, बहुत उम्दा आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा कि जल्दी से ये बन जाए और हम लोग इसको खा लें। और कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन आया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका कलर हम लोग और डार्क करेंगे। अभी कौन सी है ये ड्रम स्टिक्स हमारी कुक नहीं हुई, थोड़ी देर इसको और मिट्टी पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैं अब निकालूंगी कि दूसरी दफ़ा फिर फ्राई करूंगी। मतलब हम लोगों ने इसकी कोटिंग भी टू टाइम्स करनी है, उसको फ्राई भी टू टाइम करना है हम लोगों ने। ये तो व्यूअर्स अब जैसा कि हम लोगों ने ड्रम स्टिक्स अपनी कर ली हैं तैयार, उनको हम लोग कर रहे हैं फ्राई। और अब हम लोग आ गए अपने जिंगर बर्गर की रेसिपी की तरफ। तो जिंगर बर्गर सेम वैसे ही हम लोगों ने लंबे लंबे मैंने काटे हुए हैं और ये बोनलेस चिकन होता है, आप लोगों को पता है जिंगर बर्गर के लिए जो से चिकन यूज़ किया जाता है वो बोनलेस होता है, तो वही हम लोगों ने मैरिनेशन की हुई थी। ये लंबे लंबे ना काट लेते हैं और उसी तरह हम उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। और कोटिंग करने के बाद इसको हम करते हैं फ्राई और फिर आपके सामने ही अब मज़ेदार से जो से होम मेड जिंगर बर्गर हैं कुकिंग विद नाज़िम याद आपको सिखाए जा रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम लोग जिंगर बर्गर के जो से चिकन उसको फ्राई कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने ड्रम स्टिक्स तैयार कर ली हैं और अब हम लोग जिंगर बर्गर का जो से चिकन उसको फ्राई कर रहे हैं, सेम उस तरह कोटिंग कर ली है उसको फ्राई कर रहे हैं। इसको पकाते हैं और आपको दोबारा हाँ जी ये मैं निकालने लगी, फिर दूसरी दफा ना फ्राई करूंगी मैं, क्योंकि इसे दो दफ़ा फ्राई करना है ना इन्हें भी। ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर लगा हुआ है कोटिंग है। अच्छा जी, अब जो मैंने लेग पीस तले थे ना वो फिर मैं डाल रही हूँ इसमें दोबारा से तलने के लिए। ये देखिए बस आप थोड़ा सा ना इसे सेक दिला के ना इन्हें और कलर बदल जाएगा, फिर मैं ना निकाल निकाले थे ना हम मैं ना थोड़ा सा और हो गया ना कलर का मतलब डार्क का ब्राउन तो और जरा मतलब हो जाएगा, फिर मैं निकालती ना आपको दिखाती हूँ। तो मेरे खुशबू माशाला बहुत अच्छी आ रही, क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं और जो सी कोटिंग वो बिल्कुल भी नहीं होती और मम्मा उसको निकाल रहे, बाकी जो सी मेरे को उसको फ्राई कर रहे हैं। और अब हम जिंगर बर्गर का जो सा चिकन है उसको हम सेकेंड टाइम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी तो मम्मा ने इसको फ्राई किया तो फिर साथ ही मम्मा ने दूसरी दफ़ा डाल दिया तो वो गर्म है थोड़ा सा, मम्मा ध्यान से आपका हाथ ना जले। हम लोगों ने मायोनीज़ केचप लगा ली है और यहाँ पर हम लोगों ने रखे हैं जो से हैं वो चीज़ स्लाइस, और चीज़ स्लाइस भी जो से बर्गर के ऊपर रखेंगे, लेकिन अभी जो से वो पीसेस फ्राई हो रहे हैं तो मम्मा रखेंगे इसके ऊपर पीसेस को जो जिंगर हमारे चिकन के पीस हैं और उसके बाद हम लोग इसके स्लाइस के ऊपर रख देंगे चिकन के और ये जो से है वो फिर ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ना ये देखिए कैसा प्यारा फ्राई किया हुआ है।
तो अगर चाहें तो आप उसके अंदर लेटस वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं थे तो हमने वो नहीं रखा। तो हम लोगों के अंदर जो वो स्लाइस है, चीज़ स्लाइस, वो हम लोगों ने रख दी है। ये ले, गर्मा गर्म बोटे के ऊपर हम लोगों ने जो वो स्लाइस के पीस रख दिए हैं। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है वो है बिल्कुल फ़ाइनल हो गई है। और ये है उसका फ़ाइनल लुक, मज़ेदार से क्रिस्पी से जो जिंगर बर्गर है। या आप लोग ज़रा इसको करीब से मैं आपको दिखाता हूँ कि जूसी जूसी जो से हमारे जिंगर बर्गर है, देख के आप लोग के मुँह में पानी आए। तो कितना ज़बरदस्त का लग रहा है लुक, क्रिस्पी क्रिस्पी। या आप देख सकते हैं इसके अंदर चिकन और हम लोगों ने जो सा स्लाइस रखा हुआ है चीज़ का, वो भी आपको नज़र आ रहा है। कैसे परमाइजी हम लोगों ने लगा दी, और ये देखें जी। और सेकेंडली जो से हमारी चीज़ हमने आपके साथ शेयर की थी ड्रम स्टिक, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये ड्रम स्टिक्स लग रही हैं। और हम लोगों ने साथ रखी हैं फ्राइज़, और ये है इसका फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है जो हम लोगों ने जिंगर बर्गर और ड्रमस्टिक और फ्राइज़ आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं आप लोगों ने किया, या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी जीरो नूडल्स टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।